हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिट्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और चटपट बनने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉइल्ड आलू लेंगे, इसको कट करके रख देंगे, और दो टमाटर लेंगे जिसकी हमने प्यूरी बनानी है, बिल्कुल बारीक पीसना है। अब हम लगाते हैं तड़का। तो एक नॉन स्टिक पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। इसको गर्म होने के बाद अब हमने यहाँ पर लिए हैं पीनट्स, मूंगफली के दाने, इनको हम रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट तक, तेल में फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, फिर इसको निकाल देंगे और इसको ठंडा करके इसकी स्किन रिमूव कर देंगे, जो इसके छिलके होते हैं वो निकाल देंगे। अब हम इसी घी में आलू को फ्राई करेंगे, बॉइल्ड आलू को। यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। और अब इसको 2 मिनट हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसको भी हम प्लेट में निकाल देंगे। और अब इसी घी में हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट और थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से सॉटे करेंगे टिल देन ब्राउन। और अब इसमें हमने 2 टमाटर जो प्यूरी बनाई थी, 2 टमाटर हम इसमें डालेंगे। ये 2 टमाटर की प्यूरी है, अब इसमें डालकर हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। इसका पानी जब तक ड्राई हो जाएगा ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और अच्छे से रोस्ट करना है ताकि घी ऊपर आ जाए। तो अब देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको रोस्ट किया है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सेंधा नमक है और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कम ज़्यादा आप अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर ये मसाले ड्राई लगे, जैसे अभी ड्राई लग रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मसाले को रोस्ट करेंगे। अब ये मसाला बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें फाइनली जो हमने आलू फ्राई किए थे, और साथ में ऐड करेंगे मूंगफली के दाने रोस्टेड वाले, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे 1.5 कटोरी, मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया है, रात को इसको सोक करके रख दिया था, उसके बाद इसका पानी निकाल देंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, देखिए खिला खिला दाना लग रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और 1 मिनट तक सिर्फ पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद धनिया के पत्ते डालेंगे और 1/2 लेमन, मतलब आधा नींबू स्क्वीज़ किया हुआ है वो डाल दिया, ये ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो टमाटर में भी खट्टापन होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो पहले आप उसको टेस्ट कर लें तब आप डालें। और अब ये बिल्कुल रेडी है, अच्छे से मिक्स कर दें और अब आप गर्मा गर्म सर्व करें साबूदाना की खिचड़ी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिट्स किचन, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।